अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये 3 मरले का मकान है और नोटेड अपॉन इसकी लोकेशन है, और ये खन्ना पुल से 8 किलोमीटर है और त्रामड़ी से, ये त्रामड़ी चौक से तकरीबन 3.5 किलोमीटर बनता है, और जो रावल टाउन चौक है, रावल चौक जिसे कहते हैं, रावल डैम वाला चौक, वहाँ से 5 किलोमीटर तकरीबन ये बनता है। ये 3 मरले का मकान है, हरनौर थोड़ा पानी इसकी लोकेशन है, और ये रजिस्ट्री इंतकाल इसका मौजूद है, और ये इसका मशरूम है, और इसकी जो मेन गली है वो 25 फुट है, और कॉर्नर से ये सेकंड मकान है, और ये इसका डाइनिंग रूम आ गया है, छत की फॉर सीलिंग हुई है सारी छतों की, टीवी लॉन और जो डाइनिंग है दोनों की सीलिंग हुई है, पीछे बॉर्डर गोला है, इसके सामने खिड़की है, और नीचे सब टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये किचन इसका बहुत खूबसूरत किचन है, ये टीवी लॉन की अलमारी टीवी की, ये टीवी लॉन की सीलिंग, नीचे सब इसका टाइल इस्तेमाल हुई है, और बेस जो है उसकी, आप जो भी बंदा इसका सौदा करता है उसकी छत की और बेस की और जो ईंट इस्तेमाल हुई उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी कि ये एटम इस्तेमाल हुई है, इतना सरिया इस्तेमाल हुआ है, और जो बेस डालते वक्त फाउंडेशन उस वक्त की भी वीडियो आपको मिल जाएगी कि कितने फुट कंक्रीट हुई है, तकरीबन 18-19 इंच कंक्रीट हुई है। ये इसका दूसरा कमरा है सर, मैं और इसमें नीचे सब टाइल लगी हुई है, और ये कैबिनेट, ये इसके साथ अटैच वाशरूम, ये 8 फुट लंबा वाशरूम है और 4 फुट चौड़ा, और ये इसका कमरा, इसके साथ अटैच वाशरूम है जी। सब करारा वाइट इस्तेमाल हुआ डिज़ाइन टाइल में, अलमारी टीवी लॉन की, और ये इस वीडियो के एंड पे आपको इसकी घर की पिक्चर वगैरह भी मिल जाएगी, ये स्ट्रा सीढ़ियाँ ऊपर की, और स्टील ग्रिल इस्तेमाल हुई हुई है, ये फ्रंट एलिवेशन है जो कॉर्नर वाली साइड पे है, जो पीछे गाड़ी खड़ी है इससे भी पिछला मकान है, ये सेकंड लास्ट इसके मकान है, और गैस इधर मौजूद है, ये जिधर गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर गैस का मीटर लगा हुआ है, ये 25 फुट गली है, अच्छा इसकी डिमांड की बात की जाए तो इसकी 50 लाख डिमांड है, और बैठ के कमी बेश हो जाएगी, और ये सारा अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, कॉलम बीम वगैरह, और नीचे जो फाउंडेशन है उसको ग्रेट किया 1.5-2 फुट, वो सारा इंटू का बना हुआ है और अच्छे मटेरियल से तैयार हुआ है, गारंटी शुदा काम है, जितना भी काम है उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी कि इसमें फाउंडेशन में क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है ईंट कौन सी इस्तेमाल हुई है, सरिया कितने बाई कितने में है, ठीक है, इन सब चीज़ों की आपको स्टेप बाई स्टेप वीडियो मिल जाएंगी।